सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने Vivo Y3S मोबाइल में जो है किस तरीके से फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक को सेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन लॉक को सेट कर पाओगे और साथ ही साथ उसमें फिंगरप्रिंट कैसे ऐड करोगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस और इसकी बिल्कुल भी नहीं करना जिससे कि आपको पता चल जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आगे भी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख जाएगी, तो आपको स्क्रीन पर देखना है। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन कर लोगे गाइस तो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। अब आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का, तो देख पा रहे हो यहाँ पर सिक्योरिटी लिखा हुआ है और सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट जो दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे आप फिंगरप्रिंट पर क्लिक करोगे गाइस, अब यहाँ पर गाइस आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड बना लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको पासवर्ड बना लेना है और कन्फर्म कर देना है। गाइज ये आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो स्क्रीन पर क्योंकि गाइज यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर नहीं दिख रहा है तो सिर्फ आपको वहाँ पर जो है पैटर्न ही डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इस तरीके से डन कर देना है और डन करने के बाद ये बोला है स्टार्ट इनपुटिंग, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट इनपुटिंग पर क्लिक कर देना है। अब गाइज आपको अपने फिंगर को लगाना है फिंगरप्रिंट पर और जब तक लगाना है जब तक ये पूरा फुल ना हो जाए। चलिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ अपने फिंगर को फिंगरप्रिंट पर और जब तक ये फुल नहीं हो जाएगा तब तक आपको इस पर लगाते रहना है। तो गाइस यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट हमारा जो है फुल हो चुका है और यहाँ पर डन का ऑप्शन भी आ चुका है, तो देख पा रहे हो डन पर क्लिक कर देना है। और डन पर जैसे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर जो है आपकी फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक सेट हो चुका है। तो गाइस अब आप यहाँ पर जो है अब जैसे अपने मोबाइल को ऑन करोगे तो यहाँ पर जो है आपका फिंगरप्रिंट भी लगा मिलेगा और स्क्रीन लॉक आप दोनों से ही आप यहाँ पर खोल सकते हो। तो अगर आप फिंगरप्रिंट से चाहो तो फिंगरप्रिंट से इनेबल कर पाओगे और चाहो तो आप पैटर्न डालकर भी अपने मोबाइल को ओपन कर सकते हो। गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।